कंक्रीट पत्थर तोड़ा बारिश आ गई थी, लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड का तो पता नहीं, पर यहाँ पत्थर तोड़े जा रहे हैं। चल हम पहुंचने वाले थे लगभग टेंपल मसूरी रोड पे पहुंच ही गए थे, आपको दिखाते हैं यहाँ से। लेकिन यहाँ पे यार पहाड़ों का रास्ता पता नहीं क्या हो रहा है कि अब अंकल बोल रहे हैं कि उधर से जाना पड़ेगा मसूरी के दूसरे रास्ते से जो लॉन्ग कट है। अब हम दिखाते हैं वहाँ से जाते हैं मसूरी से शॉर्टकट जो है और वहाँ से निकलते हैं डायरेक्ट। तो यार आज का व्लॉग अचानक बना रहा था तो उसके लिए सॉरी यार, मैं आपको पूरा प्रोसेस नहीं दिखा पाया। बहुत गंदी वाली चढ़ाई यहाँ पर पलटा देता है, बहुत ज्यादा गंदी चढ़ाई, बहुत खड़ी चढ़ाई भाई। देखो यार नीचे देखो अभी फिर से हम रास्ता भटक गए थे, यहाँ पर बहुत रास्ते हैं पर अभी मैं जैसे थोड़ी देर के लिए रुका था यहाँ पे, यार मस्त लग रहा है एकदम सुकून सा मिला, जैसे यहाँ पे अपना घर हो और चारों तरफ पहाड़ हवा मस्त गाड़ी आ रही है। तो यार हम ये रास्ता बढ़ गए थे, यहाँ से जाना है कि यहाँ से जाना है चढ़ेंगे हम। ओ भाई बहुत ही खड़ी चढ़ाई यहाँ पे, ये देखो एक बारी को यार बहुत गंदी चढ़ाई है यहाँ पे। ग्रीन ब्रिज रिजॉर्ट से यहाँ पे जहाँ से भाई इधर ये रोड कहाँ पे जा रहा है? मसूरी कौन सी जगह थी वो? बलरावगंज यही है ना? अच्छा यही है ना, ठीक है यही रोड है। ये तो बालोगंज है। अरे एक मंदिर नहीं पड़ता जंगल के बीच में शिवजी का? वो बहुत आगे है, बहुत आगे वो मौसी फॉल। नहीं नहीं मौसी फॉल नहीं है, बहुत आगे मंदिर है ना, पता नहीं होगा यार, यहाँ तो हम बहुत पीछे आ रखे। किधर से लुक हाँ कौन सा पड़ता है यार, बहुत दूर है भैया वो। ये देखो टॉगी का चढ़ा है, ये देखो यहाँ टावर है भाई, यहाँ टावर है। सीधा ही जा रहा है ना यार, पता नहीं चल रहा भयंकर किधर, पता नहीं चल रहा भाई यहाँ पे, सीधा ही है साइड को गाड़ी उल्टी दिख रही, पर इसमें देख वही तो मैं बोल रहा हूँ जूम करना, हमें शायद यहाँ से ऊपर जाना है। हाँ यहाँ से हमें ऊपर जाना है, थोड़ी अंकल जी देवलसारी टेंपल का होगा है? देवलसारी टेंपल यहाँ से बाटागाड़ को 1 किलोमीटर होगा और वहाँ से वो बता देंगे कि कहाँ है वो। अच्छा ठीक है, ठीक है। और वहाँ से फिर मैं सोचता हूँ कि आगे सुवाखोली के आस पास होगा वो कहीं। ठीक अंकल जी थैंक यू, मालूम करते रहना ना। हाँ जी हाँ जी। तो भाई यहाँ का व्यू देखो, देखो यार आए हाय मस्त व्यू है ये, देखो भाई पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं यार, रियली पहाड़ों की जो मस्त वो है ना। तो भाई यहाँ का रियली एकदम मौसम व्यू है यार भाई, आगे बर्फ भी पड़ी है आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखो सामने यहाँ पे क्या मस्त हवा चल रही है नीचे से ऊपर की तरफ को, ऊपर की तरफ जा रही हवा, इसलिए कहते हैं पहाड़ में सुकून, इसलिए मेरा पहाड़ में बहुत अच्छा लगता है राइडिंग करके और घूम के फिर के अच्छे से। बर्फीले पहाड़ भी हैं, अच्छे भी हैं काफ़ी, मतलब लफ्ज़ों को कहते हैं ना, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते और हम कैमरे में भी बयान नहीं कर सकते आपको, कुछ चीज़ होती है यार कसम से
बहुत सुकून है, इतना ज़्यादा मेरे को मज़ा आज तक पूरी ज़िंदगी में नहीं आया जितना पहाड़ों में जाके आता है। चेक करेंगे तो देखिए, ये नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ हवा जा रही है, ऊपर की तरफ फेंक रही है हवा से। सच्ची में शांति भी है, खूबसूरत भी है, सब ए टू जेड सारी चीज़ें मिलेंगी। सच्ची में यार दिल बहुत अच्छा लगता है आज यहाँ पे रह के राइडिंग करके बहुत ज़्यादा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करके चलते हैं आगे की तरफ। हम यहाँ से निकल चुके और आगे के लिए, अब देखते हैं और आगे क्या इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी। अभी तो फिलहाल ये मिला था जो ऊपर की तरफ हवा चल रही थी, और एक बार आपको मैं यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, चेक करना। अभी मेरे को एक चीज़ और मिली है बढ़िया सी, जो तो अभी देखिए चेक करिए कैसी है, बताइए। देखिए आपको दिख रहा होगा बर्फीले पहाड़, एक वो यहाँ पे एक वहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। अब मेरे को पता नहीं वहाँ पे कोई जा पाता है कि नहीं पाता, लेकिन दूर से बहुत अच्छे लग रहे हैं वो पहाड़ बर्फीले, और भी अच्छा है व्यू वहाँ पे अगर देखा जाए तो, इस साइड में भी बहुत अच्छा है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें अब जाते हैं मंजिल। हम एक बार रास्ता भूल चुके हैं, अब दोबारा जा रहे हैं वापस रिटर्न लेके, पर कसम से यार बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। यार देखोगे आप ये, और देखिए ये चेक करिए, ये पत्थर अभी भी मेरे सामने गिरा है यहाँ से टूट के, बाल बाल बच गए भाई आज। ये देखिए यार गाइस, अब हम पहुँचे हैं यहाँ पे एक छोटा सा गांव पे, उस गांव का नाम नहीं पता, छोटे से गांव के पास पहुँचे हैं। अब यहाँ से पता नहीं कितना दूर हो रहा है, 25 किलोमीटर दिखा रहा था। अब मैं आपको छोटा सा गांव और यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, कितना छोटा सा गांव है, यहाँ पे धूप भी काफ़ी अच्छी निकल रही है। और ये देखिए व्यू, ये सिर्फ मिट्टी के पहाड़ है, दो चार पेड़ लगे हुए बस, काफ़ी सुंदर है। इन पहाड़ के पीछे बर्फीले पहाड़ है शायद, मैंने देखे थे जो आपको दिखाए भी थे। गाँव कितना बढ़िया यार, वो रोड है यहाँ से एक गाँव पड़ता है, उस गाँव को पार करके आया और यहाँ का व्यू चाहिए, और यहाँ से एक नीचे की साइड नदी जा रही है, बहुत प्यारी है। देखते हैं एक बार, लास्ट ट्राई मारते हैं, अगर मिल गया तो ठीक है, वरना फिर घर ही चल रहे। ठीक है, वो गांव कितना प्यारा लग रहा है मेरे को, यहाँ पे शांति, पानी की आवाज़, हवा की आवाज़, मस्त है यार। गाइस हम पहुँच चुके हैं यहाँ देवल सारी रेंज तक, अब यहाँ से थोड़ा सा दूर हो रहा है, एक बार यहाँ का व्यू और चेक करिए आप। ये देखें यहाँ का व्यू, क्या शांति है यहाँ पे, बस मुझे नीचे पानी की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे हवा कम है, और पेड़ देखिए कितने प्यारे हैं। तो यार देवल सारी रेंज पहुँच चुके हम, देखिए अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, पहुँच चुके हैं फाइनली अब देवलसारी। अब यहाँ से हमको थोड़ा सा पैदल करना पड़ेगा ट्रेवल, क्योंकि यहाँ से गाड़ी का रास्ता तो है नहीं पहाड़ों में। अब यहाँ से जाएंगे अंदर, और यहाँ से आपको थोड़ा सा एक बार व्यू और चेक करा दें। इतनी दूर से आए हैं, हमको चलते चलते हो गए पूरे 6 घंटे, और एक बार आप व्यू चेक करिए। इस साइड भी एक गाँव और है, पता नहीं यार कितने गाँव से, इसके आगे और गाँव होंगे 3-4 पहाड़ पार करके, लेकिन हमको जाना है यहाँ से। देखिए व्यू क्या मस्त, बियर को इतना वाइब, हाय हाय, ये देखिए यार नीचे घर भी देख सकते हैं आप, कितने प्यारे प्यारे हैं, 3-4 घर ही हैं वहाँ पे, घर भी हैं वहाँ पे जहाँ पे मैंने आपको ये बोर्ड दिखाया था। अब चलते हैं यहाँ से, देवलसारी पहुँच गए हम, अब यहाँ से हमको चलना पड़ेगा पैदल, गाड़ी वाड़ी सब पार कर दी, अब चलो चल रहे हैं यहाँ से पैदल, चल रहे करिए आप। हाय हाय, ये नीचे गाँव में जा रहा होगा, नीचे भी पूछ लेंगे। अब यार फिर कन्फ्यूज़ हो गए हम, नीचे आके इधर से जा रहा है, क्योंकि इधर से जा रहा है, उधर से जा रहा है, उधर से जा रहा है, 3-4 रास्ते फिर से कट रहे हैं। चल नीचे जाके चलते एक बार पूछते हैं, नहीं खाते खाना खाओगे पर कहाँ से लाते होंगे अच्छा खाना। तो यार हम किसी के ऐसा ना हम कहीं पे मारने लगे आधी मानो समझ के, मेरे को तो डर सा भी लग रहा। आ जा आ जा आ जा, इनसे पूछेंगे ना, है नहीं है क्या यहाँ पे कोई, अबे बच्चे यहाँ पे तो सारे। यार ये घर देखे कितने प्यारे प्यारे है, नहीं क्या बंटी बंटी कोई बच्चे ही हैं तो। है यहाँ पे क्या कहा उसने, यहाँ पे नहीं आना, कैफे से लग रहा है, कैफे नहीं है छोटू। यहाँ से एक मंदिर पड़ता हो, कौन सा रास्ता है पड़ता है मंदिर, अच्छा ये यहाँ ऊपर से
अच्छा ठीक है ठीक है, वही पूछना था बस। ठीक है ठीक है, तो चलो यार चलते हैं दोबारा वापिस। हाँ मैंने भी सोचा, मुझे लगा मारे मारेंगे, लग रहा था पकड़ के मारेंगे। पर यहाँ पे तो तीन बच्चे एक लेडीज थे और बाकी सबका है, बाकी सबका ये ऊपर होटल आटल चलते हैं। तो यार गाइस अभी तक हम इस पुल तक पहुँच पाए हैं बस। हाँ बहुत चढ़ाई है यार, आए उसके बाद फिर कंफ्यूजन में ये रोड जा रहा है, ये जा रहा है, यही जा रहा है, इस साइड ही चलते। चलो देखी जाएगी, पहुँचते ही नहीं। हाँ यार ये देखिए आप कितनी चढ़ाई है यहाँ पे, ये देखिए व्यू, अभी पता नहीं कितनी चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ेगा। फाइनली हम पहुँच चुके हैं देवलसारी मंदिर, देखिए कितना प्यारा है, कितना ब्यूटीफुल है। तो भाई यहाँ पर लिखा है कुछ, तो सूचना पढ़ लीजिए, एकदम हिडन प्लेस, कृपया जूते चप्पल यहाँ उतारे। देखिए कितना ध्यान रखा हुआ है स्वच्छता का, पर फिर भी पालन नहीं है। वाओ इंटरेस्टिंग, वाओ ये चेक करें आप, और ये तो यार ऑसम, ये क्यों लगा रखा है यहाँ पे, उल्लू है ना, चमगादड़, चमगादड़, हाँ चमगादड़। वाह यार वाह, तो वहाँ पे बाकी घर हैं यार, घर नहीं है, नहीं घर ही हैं, लोग घूम रहे हैं वहाँ पे, घर ही हैं वो, ना ना कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, तारा वो नहीं जाते क्या पीछे वाले भी। अरे नहीं वहाँ पे एक शेर भी बैठा हुआ देख, वो देख सकते हैं आप, काफी अच्छी जगह है। आजा आजा आजा, टिकट के लिए है ना, यहाँ पे टिकट काउंटर है मेरे ख्याल से। तो चलो आगे और देखते थोड़ा बहुत घूम, तो हम यार काफी अंदर आ चुके। अरे यहाँ पे वो देख कुछ है वहाँ पे, गाय गाय है ना, तो यार ये जो जाली लगी हुई है ना वहां से यहाँ तक पूरा बंद है, तारे लगे हुए, तो ज्यादा अंदर तो हम जा नहीं सकते। ये किस चीज के पास थी, लास्ट लोकेशन चेक कर लीजिए आप, अब यहाँ से निकल रहे हम क्योंकि जाने में भी बहुत टाइम लगेगा। ये देखिए कितना अच्छा प्लेस है, वाओ एकदम हिडन प्लेस, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, हवा भी है, शांति भी है और बहुत सुंदर है। मैं यहाँ पे फाइनली पहुँच गया और यहाँ पे दर्शन वर्शन भी कर लिया और आपको दिखा भी दिया, देखिए कितना अच्छा है मंदिर, काफ़ी प्राचीन भी है। और यहाँ पे मेरे को लगता है बहुत लेट हो जाएगी जाते जाते, एक ही बार जाए, पहाड़ों का रास्ता है तो 6 घंटे का रास्ता है, मेरे को सही लग रहा है कि अभी निकल जाऊँ मैं। बहुत प्यारी नदी मेरे को वो लगी है, बाकी ये बोल रहा था बैकग्राउंड के लिए थोड़ा सा ये होगा, बाकी है बड़ा अच्छा, ये बहुत अच्छा। तो चलो यार ये पहाड़ की बात आज छोड़ के चलते हम वापस घर, बहुत काफ़ी अच्छा लोकेशन मिलेगा घर जाते जाते, कुछ बहुत चीज़ें खूबसूरत मिलेगी, लेकिन रुक हम कैमरे में नहीं दिखा सकते चीज़, हमको भी लेट हो रहा है और व्लॉग भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा फिर। तो चलो ये आ रहा, ये क्या लिख रहा है भाई तू, इसने यहाँ पे लिखा है धोले भाई करण, कहाँ से भाई तू, घर भैया ने लिखा है। अरे हाँ चलो ठीक है, वो तो मैंने लिखा है। अच्छा सुन तो सही, तेरे भाई का नाम सच में करण अर्जुन है, और तुम्हारा नाम क्या है, करण, करण अर्जुन, बड़ा प्यारा बच्चा मिला मुझे बीवी, शक्ल दिखा दो ऊपर, हेलो कर दे। ऐसे अभी हम कुछ खाने के लिए रुके, आग भी जली हुई है मान लिया, ठंड भी बहुत हो रही है, और ये रोड ये जा रही है, ये ऐसे घूम घूम के जाते हैं यार पहाड़ों में, यही तो चीज़ है। मेरे लिए ऑर्डर करिए मैगी, बहुत भूख लग रही थी यार, अभी मेरे को लगता नहीं रात से पहले पहुंच पाएंगे,
अब देखना चाहिए रात को मैं पहाड़ों में राइड कैसे करूँगा, पहली बार एक्सपीरियंस लूँगा। निकलते थोड़ी बहुत देर में मैगी खा के, शाम बहुत हो चुकी, देख रहे होंगे आप, बहुत भूख लग रही है यार। तब तक अंकल हमारी मैगी बना रहे, दोबारा धुआं दरी आ रहा है यार। हट तो यार, अपनी मैगी आ चुकी है, देखिए कितनी स्पाइसी लग रही है, और ऐसी पहाड़ की वादियों में खाने का तो मज़ा ही अलग है। देखिए मैगी, देखिए सच में यार पहाड़ में मैगी खाने का जो आनंद है ना, मस्त है। दो चम्मच दिए इन्होंने, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये चम्मच पीने के लिए है और ये चम्मच खाने के लिए है। अब खा भी, ये देखिए ये पीने के लिए है, ये खाने के लिए है। मैगी खाता हूँ, फिर उसके बाद हम मैगी खा के निकलते हैं डायरेक्ट घर के लिए। बहुत रात हो जाएगी यार सच्ची में, टेंशन हो रही है कि रात को हालत क्या होने वाली है मेरी। क्या भैया, चाय दो कर देना। दो, चलो फिर यहाँ से खा पी के निकलते हैं जल्दी। पत्थर तोड़ा, बारिश आ रही है, लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड का तो पता नहीं, पड़े पत्थर तोड़े जा रहे हैं। कह गए हो साहिबा, आँखों से